कैन वी चेंज द साइज ऑफ इनवॉइस क्यूआर कोड इन बिजी? क्या बिजी में इनवॉइस क्यूआर कोड की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं? आंसर इज यस, हाँ कर सकते हैं। एडवांस डॉक्यूमेंट डिजाइन फॉर्मेट में ये प्रोविजन अवेलेबल है जिसके थ्रू हम इनवॉइस क्यूआर कोड की साइज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए बिजी में आते हैं। बिजी में एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्फ़िगरेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग एंड एडवांस फॉर्मेट, सेल इनवॉइस सेलेक्ट करेंगे और वो पर्टिकुलर फॉर्मेट। इनवॉइस क्यूआर कोड की फील्ड को टैग करने के लिए हेडर या फुटर दोनों में से किसी का भी हम यूज कर सकते हैं। फिलहाल के लिए फुटर सेलेक्ट करते हैं और डिफॉल्ट फील्ड सेलेक्ट करते हैं। उसके लिए फील्ड्स अवेलेबल पे क्लिक करेंगे, वैट जीएसटी के अंदर आएंगे एंड देन इनवॉइस क्यूआर कोड की फील्ड को सेलेक्ट करेंगे। फॉर्मेट को सेव करने के बाद चेक करेंगे अपने सेल बिल के अंदर। तो यहाँ पे हम देखेंगे इनवॉइस डिफॉल्ट साइज यहाँ पे प्रिंट में आ जाएगा। ऐसे ही अगर हमें इसकी साइज को इंक्रीज करना हो तो सेम एडमिनिस्ट्रेशन, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग, एडवांस फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, फुटर में आएंगे और वो डिफॉल्ट इनवॉइस क्यूआर कोड फील्ड के अंदर स्क्रिप्ट ऐड करेंगे। इसके लिए हैश कोटेशन मार्क QRC कोलन एंड यहाँ पे बताएंगे साइज 2.0 और कोटेशन मार्क क्लोज। इस फॉर्मेट को सेव करेंगे। अगेन सेल बिल के अंदर QR कोड को चेक करेंगे तो यहाँ पे हम ऑब्जर्व करेंगे कि इनवॉइस की QR कोड की साइज इंक्रीज हो गई। ऐसे ही अगर डिक्रीज करना है तो सेम प्रोसेस, इनवॉइस डॉक्यूमेंट प्रिंटिंग में आएंगे, एडवांस फॉर्मेट में आएंगे, सेल इनवॉइस के अंदर आएंगे, पर्टिकुलर फॉर्मेट सेलेक्ट करेंगे, फुटर 2.0 हमने साइज बताया था, इसको हमें कम करना है, डिक्रीज करना है तो इसको 1.0 कर देंगे एंड देन सेव। वापस से सेल इनवॉइस के अंदर चेक करेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि QR कोड की साइज डिक्रीज हो गई। तो ऐसे ही हम इनवॉइस QR कोड की साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।